अब बात करते हैं महम की। महम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी शमशेर खड़कड़ा ने कहा कि महम में पिछले 5 साल में विकास हुआ है। वे महम शहर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ महम विधानसभा प्रभारी रमेश भाटिया भी मौजूद रहे। महम विधानसभा के बीजेपी प्रभारी रमेश भाटिया ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार जनता शमशेर खड़कड़ा का साथ देकर महम से कमल खिलाने का काम करेगी। बीजेपी प्रत्याशी शमशेर खड़कड़ा ने कहा कि अगर महम शहर में विकास हुआ है तो इन 5 सालों में हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि 15 साल पहले शहर में दूर दूर तक विकास नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया माहौल है, शमशेर जी के पक्ष में हवा सारी चल रही है और लोग चाहते भी हैं कि ऊपर भारतीय जनता पार्टी की श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार आ रही है। शहर में विकास अगर हुआ है तो इन 5 सालों में हुआ है। हर चौराया, हर चौक, हर गली है। यहाँ पिछले 10-15 साल से लाइट तक नहीं थी, लाइटें लगी हुई नहीं थी, कनेक्शन नहीं थे। आज शमशेर खड़कड़ा ने लोगों से महम का समुचित विकास करवाने का भी वादा किया। खबरें अभी तक के लिए महम से राजकुमार की रिपोर्ट।